इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। लर्नर्स, अगर आप एसएससी एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में और अच्छी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं इंग्लिश में अपने स्कोर को, उसके लिए आपको चिंता है, तो आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए, आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का एक रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आपका ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब इन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। अच्छी बात है कि इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जिससे कि आपके टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कम समय में आप फोकस के साथ में अच्छी तैयारी कर पाएं, अच्छा सीख पाएं, जिससे कि आपके सिलेक्शन का सपना इस बार ही पूरा हो। तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी रोज सुबह 9 बजे, तो हमसे जुड़ना ना भूलें एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे। अच्छी तैयारी करें, अच्छा सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। ऑल द बेस्ट डियर लर्नर्स। मॉर्निंग डियर लर्नर्स, आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं सभी? हमने लिखा द स्टडी ऑफ फंगस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। द स्टडी ऑफ फंगस, फंगस की स्टडी को क्या कहते हैं? सभी लोग बताएं, ठीक। द स्टडी ऑफ फंगस, फंगस की स्टडी को क्या कहते हैं? सभी लोग बताएं। माइकोलॉजी, वेरी गुड। फंगस की स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी। ठीक। ओडोंटोलॉजी जो होता है, ओडोंटोलॉजी जो होता है, ये होता है स्टडी ऑफ टीथ। ठीक। वायरोलॉजी जो होता है, ये स्टडी ऑफ वायरस। और साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स। ठीक है, तो कुल मिला के ये तो सब गलत है। हमें स्टडी ऑफ फंगस बतानी थी, तो माइकोलॉजी हो गया फंगस। एक चीज और पूछना चाहता हूं मैं, ऐसे अपनी मर्जी से पूछ रहा हूं। पेट्रोलॉजी क्या होता है? पेट्रोलॉजी, कोई भी बच्चा बताए पेट्रोलॉजी क्या होता है? पेट्रोलॉजी हो गया, ऑरोलॉजी हो गया, कितने तो पढ़े होंगे ना आप लोगों ने वोकैब की क्लासेस में। हर्पेटोलॉजी हो गया, ऑफियोलॉजी हो गया, हाँ, पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स। स्टडी ऑफ रॉक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं ना, पेट्रोलियम, पेट्रो का मतलब रॉक होता है। ठीक है, तो ये हो गया रॉक्स की स्टडी। फिर ऑरोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ द माउंटेन्स, जो माउंटेन्स हैं उनकी स्टडी को कहते हैं ऑरोलॉजी। फिर आ गया हर्पिटोलॉजी, रेप्टाइल्स, रेंग कर चलने वाले जो जंतु होते हैं उनकी स्टडी को रेप्टाइल्स कहते हैं। लिजार्ड हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, स्नेक्स हैं, ठीक है, तो उनको कहते हैं, हाँ, हर्पिटोलॉजी। और ऑफियोलॉजी जो होता है, ये होता है स्टडी ऑफ स्नेक्स। स्नेक्स की स्टडी को ऑफियोलॉजी कहा जाता है, ध्यान रखें। अब अगले पे आ जाओ, एपीग्राफी। एपीग्राफी द स्टडी ऑफ गैलेक्टिक फॉर्मेशन, द स्टडी ऑफ एंशियंट इंस्क्रिप्शन, द स्टडी ऑफ माउंटेन फॉर्मेशन, द ओपनिंग एक्ट ऑफ एन एपिक, किसे कहते हैं बताओ? अब देखो, ग्राफी का मतलब राइटिंग होता है,
ग्राफी जो होता है ना, ग्राफी या ग्राफ, इसका मतलब होता है राइटिंग, लिखना। तो ये जो हमने लिखा है एपिग्राफी, तो इसका मतलब द स्टडी ऑफ एंशियंट इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस का मतलब लेख, जो प्राचीन लेख हैं उनके अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अब जैसे आपने देखा होगा गुफाओं में, ठीक है, पिलर्स पर प्राचीन समय के लेख लिखे हुए, तो उनकी स्टडी को कहा जाता है एपिग्राफी। एपी का मतलब पुराना होता है एक्चुअल में, ठीक है। ग्राफी का मतलब समथिंग रिटर्न होता है, ग्राफी का मतलब लिखना होता है, ठीक है। कैलीग्राफी जैसे वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, कैलीग्राफी, तो कैलीग्राफी क्या होता है, ब्यूटीफुल राइटिंग। तो ग्राफी का मतलब लिखना। तो एपिग्राफी हो गया द स्टडी ऑफ एंशियंट इंस्क्रिप्शंस, जो एंशियंट इंस्क्रिप्शंस हैं, प्राचीन लेख हैं, उनके अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। गुड मॉर्निंग बच्चों, अगला देखिए, अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। एक ऐसा टेस्ट जिसमें जैसे कोई पर्सन है, मान लो उसके किसी बॉडी ऑर्गन में कोई मतलब बीमारी हो गई, मान लो किडनी की कोई बीमारी हो गई, लीवर की कोई बीमारी हो गई, ठीक है, तो उसका जो डिजीज्ड बॉडी ऑर्गन है उससे सेल्स को निकालना, रिमूव करना और उनका टेस्ट करना, इसे क्या कहते हैं, सारे लोग बताएं। अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ पहले भी कभी डिस्कस किया हो, अब फिर भी उसके बाद भी कुछ बच्चे गलत आंसर बता रहे हैं, जबकि मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन शायद पहले कभी डिस्कस हुआ है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। एग्जैक्टली तो तुम लोग भी बता सकते हो ऐसा हुआ या नहीं हुआ। देखो देखो मैं बताता हूं, इसका आंसर है बायोप्सी, ठीक है, इसका आंसर है बायोप्सी। ये जो ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम है, ये दोनों सिनोनिम है। इनका मतलब जैसे कोई डेड बॉडी है उसका, उसको मतलब टेस्ट, उसका वो एग्जामिनेशन करना जिससे कि पता चले कॉज ऑफ डेथ क्या है, ठीक है। तो ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम तो एक हो गया। एम्पुटेशन क्या होता है, ये होता है रिमूविंग द इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट, ठीक है। जैसे किसी पर्सन के शरीर में कोई बॉडी पार्ट है, उसमें कोई ऐसा डैमेज हो गया या उसमें कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया जिसको क्योर नहीं किया जा सकता। क्योर नहीं किए जाने का मतलब क्या हो गया, ठीक है, क्योर नहीं किया जा सकता मतलब कि उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो क्या होता है, उस बॉडी ऑर्गन को शरीर से अलग कर दिया जाता है जिससे कि उसका इंफेक्शन जो है या उसकी डिजीज जो है वो पूरी बॉडी में ना फैले, तो उसको कहते हैं एम्पुटेट करना। एम्पुटेट का मतलब होता है अंग विच्छेदन। अंग विच्छेदन का मतलब शरीर के जिस अंग में कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा इन्फेक्शन या कोई ऐसा डैमेज हो गया कि जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो उसको एम्पुटेट कर दिया जाता है। एम्पुटेट कर देने का मतलब उसको कट ऑफ कर दिया जाता है, उसको काट के अलग कर दिया जाता है, तो इसको कहते हैं एम्पुटेशन। और जिस पर्सन के साथ ऐसा हुआ होता है उसको कहते हैं एम्पुटी, AMPUTEE, AMPUTEE, एम्पुटी। तो एम्पुटी वो पर्सन होता है जिसके किसी बॉडी पार्ट को कट ऑफ कर दिया गया। आपने देखा होगा वॉर वगैरह में बहुत से सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, तो उनको देखते हैं बाद में उनका ना हाथ काट दिया, किसी का पैर काट दिया क्योंकि उनके कहीं गोली लग गई तो इन्फेक्शन पूरे शरीर में ना फैल जाए इसलिए काट दिया, या कोई डैमेज हो गया, हैवी डैमेज हो गया तो कट दिया। तो ऐसा पर्सन उसको कहा जाता है एम्पुटी, AMPUTEE, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें अगर बताऊं, याद आए तुम लोगों को, तुम में से किसी ने रोटी कपड़ा मकान मूवी देखी है, रोटी कपड़ा और मकान,
देखिए मनोज कुमार, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, तो उसमें जो अमिताभ बच्चन का रोल है अगर तुम्हें ध्यान हो तो उसकी बांह काट दी जाती है मूवी में, लेटर दिखाया जाता है कि उसकी बांह काट दी जाती है तो वो एम्पिटी हो जाता है। बहुत पहले देखी होगी। हाँ चलो, जब भी देखी तो उसमें जो अमिताभ बच्चन का रोल है अगर ध्यान रहा हो तो अमिताभ बच्चन फौज में भर्ती हो जाता है, वहां पे लड़ाई वड़ाई होती है तो उसका हाथ काटना पड़ जाता है तो वो एम्पुटी हो जाता है। तो ऐसा पर्सन जिसके किसी बॉडी पार्ट का एम्पुटेशन हो गया उसे हम एम्पुटी कहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना। चलो तो इसका आंसर कुल मिला के भी बायोप्सी हो गई। पढ़ा नहीं तुम लोगों ने ध्यान से, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सेल्स, ठीक, कोशिकाएं, अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। अगला देखो सिनोनिम्स, आज डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। आगे निगार्ड, निगार्ड माइजर, ठीक है, निगार्ड वर्ड का मतलब होता है कंजूस और इसका सिनोनिम हो गया माइजर। ठीक है, लॉयल तो हो गया देशभक्त, मतलब लॉयल का मतलब जो हो गया किसी को लेकर फेथफुल, लॉयल का मतलब जो फेथफुल है। ठीक है, डिवाइन का मतलब दैवी हो गया, ईश्वरीय हो गया। ठीक, श्रूड का मतलब क्या होता है, श्रूड का मतलब होता है कनिंग। ठीक है, ये होता है श्रूड का मतलब। एक वर्ड में ऐसे तुम लोगों से जानना चाहता हूं, किसी को मीनिंग पता हो तो बताएं। एक वर्ड होता है SHREW। अब देखो ये है SHREWD और ये है SHREW, श्रू। मीनिंग बताओ, SHREW श्रू जो वर्ड है इसका मीनिंग बताओ। श्रू का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा जानता है? डिफरेंस समझ लेना, उसमें डी ऐड हो गया, इसमें डी नहीं है, बस इतना डिफरेंस है। झगड़ालू महिला, नहीं सिकुड़ना नहीं होता बेवकूफ, वो श्रंक होता है, वो श्रंक होता है, श्रंक श्रिंक वो होता है, सिकुड़ना। इसका मतलब होता है बैड टेम्पर्ड वुमेन, अ बैड टेम्पर्ड वुमेन, एक झगड़ालू महिला। ठीक है, कोई झगड़ालू महिला। अगले भाई, इट इज द प्राइम मिनिस्टर्स प्रेरोगेटिव टू अपॉइंट और डिसमिस अ मिनिस्टर। अब हमें प्रेरोगेटिव का मतलब बताना है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है विशेष अधिकार, हिंदी में अगर कहें विशेष अधिकार। कोई पर्सन ऐसा है जिसको कोई विशेष अधिकार मिला हुआ है जिसका वो चाहे तो यूज कर सकता है, बाकियों को ऐसा अधिकार नहीं है, तो उसे कहते हैं विशेष अधिकार। ठीक है, प्रेरोगेटिव का हिंदी मतलब मीनिंग यही होता है। अब हमें इसका इंग्लिश में सिनोनिम बताना है, तो क्या मोनोपोली, नहीं, अथॉरिटी, नहीं मास्टरी, नहीं प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है ना स्पेशल राइट, सम स्पेशल राइट। ठीक है चलो नेक्स्ट पे जाओ। नेक्स्ट है शैम, शैम का सिनोनिम बताना है। चलो भाई सभी लोग बताओ, SHAM शैम वर्ड जो है इसका सिनोनिम बताना है, सभी लोग बताने की कोशिश करें। क्या शैम का सिनोनिम होगा? अब देखो, हाँ शैम का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट रियल, फेक। शैम वर्ड का मतलब होता है फेक, ठीक है, विच इज नॉट रियल। अब हमें इसके सिनोनिम बताना है, तो शैम वर्ड का मतलब हो गया फेक, फेक का मतलब जो ओरिजिनल नहीं है, नकली है। ठीक है, अब हमें उसका बताना है सिनोनिम बताना था, एंटोनिम, एक मिनट देख लेना पहले, सिनोनिम भी बताना है। ठीक है, तो हमें उसका सिनोनिम बताना है, जेनिम तो उसका एंटोनिम हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी एंटोनिम हो गया, फ्रेंक भी एंटोनिम हो गया, डिसेप्शन। अब यहां पर एक वर्ड है जो मैं आपसे चाहता हूं कि आप उसका मीनिंग मुझे बताएं, एक होता है कैंडिड। कैंडिड का मतलब कोई बच्चा बताए, देयर इज अ वर्ड कैंडिड, कैंडिड का मतलब कोई भी बच्चा बताए। हाँ
कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो लिखा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो कैंडिड का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, फ्रैंक, फोर्थ राइट, आउटस्पोकन, ठीक है, और इंग्लिश में एक इडियम होता है कॉल स्पेड आई स्पेड, ठीक है, कॉल स्पेड आई स्पेड, इसका मतलब ये होता है। कैंडिड का मतलब कॉल स्पेड आई स्पेड, मतलब जो जैसा है उसको वैसा कहना, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, कैंडिड का मतलब स्पष्ट, एकदम क्लियर, टू द पॉइंट बात करने वाला पर्सन, उसको कहते हैं कैंडिड पर्सन। कैंडिड टॉक, दे हैड अ कैंडिड टॉक देयर, दे हैड अ कैंडिड टॉक देयर, मतलब फ्रैंक टॉक, ठीक है, कोई दिखावा कोई इधर उधर की बात नहीं। एंटोनिम्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंटोनिम्स। परपेचुअल, बताओ भाई परपेचुअल वर्ड जो है बच्चे, इसका एंटोनिम बताएं, परपेचुअल का एंटोनिम क्या होता है? डिसकंटिन्यू, देखो परपेचुअल का मतलब होता है परमानेंट, परपेचुअल का मतलब होता है परमानेंट, एटर्नल, एवरलास्टिंग, पेरेनियल। तो परपेचुअल का मतलब ऐसा जो चलता रहे हमेशा, शाश्वत हो, एक तरीके से खत्म ना हो, एंड ना हो, वो परपेचुअल है। अब अगर हमें इसका सिनोनिम बताना होता तब तो हम एवरलास्टिंग बता सकते हैं, सीजलेस भी बता सकते हैं, सीजलेस का मतलब जो कभी रुके ही ना, लेकिन हमें बताना तो सिनोनिम है नहीं, हमें तो बताना एंटोनिम है, तो एंटोनिम हो गया टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब हो गया ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी, ट्रांजिएंट, शॉर्ट लिविंग, इफीमरल, ठीक है। तो टेम्पररी का मतलब कुछ ऐसा जो हमेशा नहीं था, अभी है लेकिन हमेशा रहेगा नहीं, ठीक है, मतलब जो कुछ समय के लिए शॉर्ट लिविंग है, तो ये सिनोनिम्स टेम्पररी के हो गए। अगला देखो, शॉविनिज्म, शॉविनिज्म होता है टू मच पैट्रियटिज्म, शॉविनिज्म होता है एक्सेसिव, एक्सेसिव पैट्रियटिज्म, अनरीजनेबल पैट्रियटिज्म, ठीक है, एक्सेसिव एंड अनरीजनेबल पैट्रियटिज्म, ठीक है, उसको कहते हैं। अब हमें इसका अगर सिनोनिम बताना होता तो हम बिगोट्री कह सकते थे, बट हमें बताना है इसका एंटोनिम है, तो अगर हमें इसका एंटोनिम बताना है तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन। इसका सिनोनिम बताना था तो हमने जिंगोइज्म, इसका सिनोनिम है, देखो ये वर्ड जो है ना जिंगोइज्म, ये इसका सिनोनिम है, लेकिन हमें एंटोनिम बताना है, टॉलरेंस, सहिष्णुता, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलो अगले पे आ जाओ। अ पेरिलस जर्नी थ्रू द माउंटेन्स वॉज देयर ओनली एस्केप रूट। अब पेरिलस का हमें एंटोनिम बताना है, तो पेरिलस का एंटोनिम बताने के लिए पहले हमें पेरिलस का सिनोनिम पता होना चाहिए, ठीक है, पेरिल का सिनोनिम क्या है। तो देखो दो वर्ड मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक वर्ड है पेरिल और एक वर्ड है पेरिलस, ठीक। क्या कोई बच्चा इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस मुझे बता सकता है कि पेरिल और पेरिलस में क्या डिफरेंस है? कोई भी बताए, क्या कोई बच्चा पेरिल और पेरिलस, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस बता सकता है? देखो पेरिल जो है ये नाउन है, पेरिलस जो है वो एडजेक्टिव है,
ठीक है। पेरिल का मतलब है डेंजर, हैजार्ड, ठीक है। पेरिलस का मतलब है डेंजरस, हैजार्डस, ठीक है। पेरिल का मतलब है रिस्क, पेरिलस का मतलब है रिस्की, ठीक। तो ये हमें ध्यान देना है कि पेरिल का मतलब है खतरा, थ्रेट, ठीक है। पेरिल का मतलब क्या है? थ्रेट, ठीक है। पेरिलस का मतलब क्या है? थ्रेटनिंग, ये। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये जो पेरिलस वर्ड है हमें इसका एंटोनिम बताना है। अब अगर हमें इसका एंटोनिम बताना है, ठीक है, तो टेरिफाइंग है, हैजार्डस है, ये तो एक तरीके से इसके सिनोनिम्स हैं, तो ये हटा देते हैं, ठीक है। इसका हो गया सिक्योर, सिक्योर का मतलब सेफ, सिक्योर का मतलब सेफ, सुरक्षित। तो पेरिलस का एंटोनिम क्या हो गया बच्चे? ठीक है, पेरिलस का एंटोनिम हो गया सेफ, सिक्योर। चलो, तो ये हो गया सबको, पेरिलस का मतलब सिक्योर, सेफ हो गया। एक वर्ड मैं और यहां पे आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है। मैं ये पता ही इधर उधर के वर्ड क्यों डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हो सकता है ये आ जाए, हो सकता है वो आ जाए, ठीक है। आ भी जाते हैं, बहुत बार आ जाते हैं, ठीक है। पता चला मैं पढ़ाने आया था, कोई वर्ड डिस्कस करके गया कोई, और जो डिस्कस करके गया ना एक्स्ट्रा अलग से, वो पेपर में आ गया, और जो मेन डिस्कस किया वो नहीं आया, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है। तो एक वर्ड होता है बच्चे यहाँ पर, प्रिकेरियस, ये भी ध्यान रखना। एक्चुअली ये वर्ड जो होते हैं ना, ये फिल इन द ब्लैंक्स में, वोकैब पार्ट में, क्वेश्चन टैक्स वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो एक वर्ड होता है प्रिकेरियस, मैं चाहता हूं जो बच्चे इस वर्ड को पहले से जानते हैं, ठीक है, जो नहीं जानते वो सब समझें। कोई बच्चा इसका मतलब बताएगा, प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है, कोई भी बताए जिसको पता। देखो, प्रिकेरियस का मतलब भी वही होता है जो उसका पेरिलस का है, रिस्की, अनसेफ, ठीक है। तो प्रिकेरियस का मतलब होता है रिस्की, अनसेफ, पेरिलस, जो मतलब जोखिम पूर्ण हो, जिसमें किसी तरीके का जोखिम हो, जो सुरक्षित ना हो, प्रिकेरियस पोजिशन, ठीक है। हाँ, अब देखो, एक इंग्लिश में इडियम होता है, तुम सबने पढ़ा होगा, अ सिटिंग डक, अ सिटिंग डक का मतलब होता है एन इजी टारगेट। एन इजी टारगेट, ठीक। अ सिटिंग डक का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जिसको इजिली टारगेट किया जा सकता है, जो ओपन टू इंजरी, ओपन टू हार्म है। जैसे बॉर्डर पे जो सैनिक होता है, बॉर्डर पे सैनिक खुले में होता है, ठीक है, तो वो एक सिटिंग डक होता है। सिटिंग डक, अ सिटिंग डक का मतलब वल्नरेबल सिचुएशन में होना, ठीक है, वल्नरेबल, जोखिम में होना, इजी टारगेट होना, कि कोई भी आपको टारगेट कर सकता है, ठीक है, इजीली आपको हार्ट अटैक किया जा सकता है। तो ये जो प्रिकेरियस होता है ना, उसका मतलब कुछ कुछ ऐसे ही होता है, जो रिस्की है, सेफ है, अनसेफ है, अनसर्टेन है, वो। चल नेक्स्ट वाज, अब आगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। एक मिनट बच्चों, He always says that he will help, but when it comes to the crunch, he does nothing. अब हमने कहा कि वो हमेशा कहता है कि मदद करेगा, ठीक है, but when it comes to the crunch, he does nothing. लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब कुछ नहीं करता। Comes to the crunch का मतलब समय आने पे, टाइम आने पर, कि किसी ने कहा कि भाई कोई मदद की जरूरत रहे तो हमें बताना, हमने कहा ठीक है बताएंगे, और जब हमने बताया तब उसने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो हमने कहा वैसे तुम हमेशा बातें करते रहते हो, लेकिन जब जरूरत पड़ी तब तो तुम गायब दिखे, तो इसको क्या कहें? When it comes to the crunch, जो हमने idiom लिखा है, इसका मतलब हम क्या माने? Confuse the situation, decisive moment, troublesome moment, difficult times. तो इसका answer है decisive moment. मतलब ऐसा moment जब हमें, जब कुछ decide होगा कि कौन जिएगा, कौन मरेगा, कौन बस मतलब बचेगा,
ठीक है, तो ऐसे मोमेंट पे जब क्रंच मोमेंट आता है तब तुम गायब हो जाते हो, ठीक है। तो इसका आंसर होता है डिसाइसिव मोमेंट, सारे होते ध्यान रखेंगे। अगला आ गया द स्टोरी दैट द ट्रिकस्टर फैब्रिकेटेड डिड नॉट होल्ड वाटर, ठीक है। फैब्रिकेट करना मतलब मेकअप, फैब्रिकेट करना मतलब मेकअप, मेकअप का मतलब इन्वेंट, झूठी कहानी बना लेना, गढ़ लेना कहानी, एक्चुअल में ऐसा नहीं होना लेकिन अपना मनगढ़ंत बना लेना, ठीक है। तो हम कह रहे हैं द स्टोरी दैट द ट्रिकस्टर फैब्रिकेटेड, जो ट्रिकस्टर था, ट्रिकस्टर वो लोग होते हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप जाओगे कहीं मेट्रो स्टेशन पर या बस स्टेशन पर, कोई पर्सन आपको मिल जाएगा कि बहुत गरीब हूँ, दो दिन से खाना नहीं खाया, मेरा बटुआ छीन लिया किसी ने, घर में भी यहाँ रहे बीवी और फलाना ढिमकाना, मतलब ठीक है। अब वो आपको ऐसा मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करेगा और आपसे पैसे लेके चला जाएगा, तो वो होते हैं ट्रिकस्टर लोग, ठीक है, जो इमोशनली ब्लैकमेल करके या बेवकूफ बना के किसी तरीके से लोगों से अपना उल्लू सीधा करते हैं, ठीक। तो हम कह रहे हैं द स्टोरी दैट द ट्रिकस्टर फैब्रिकेटेड डिड नॉट होल्ड वाटर। तो डिड नॉट होल्ड वाटर का मतलब क्या होता है? डिड नॉट होल्ड वाटर का मतलब होता है जो वेरीफाई ना हो पाए, जो प्रूव ना हो पाए, जो झूठी हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर कुड नॉट बी इग्नोर्ड, कुड नॉट बी बिलीव, कुड नॉट, ईयर आंसर, ठीक है, कुड नॉट बी बिलीव, उसको बिलीव नहीं किया जा सकता था, उसने ऐसी कहानी बनाई जो कि मतलब बिलीवेबल नहीं थी। अगला देखो, टू पुल द वूल ओवर समवन्स आइज, टू पुल द वूल ओवर समवन्स आइज का मतलब होता है किसी को बेवकूफ बनाना, ठीक है, इसका मतलब होता है किसी को बेवकूफ बनाना, ठीक। अब इसमें देखो, टू मेक समवन फील इंसल्टेड, टू इंटरेस्ट कंप्लीटली, टू मेक समवन फील बेटर, टू डिसीव, तो इसका मतलब होता है टू डिसीव, फ्रेजल वर्स। चल, हिज वर्जन ऑफ इवेंट्स जस्ट इजंट बॉर्न आउट बाय द फैक्ट्स। बॉर्न आउट जो हमने फ्रेजल वर्ब लिखी है इसका क्या मतलब होता है ये बताओ। ड्रास्टिकली विदहेल्ड, कॉज्ड एंड रिटेन्ड, डिफेंडेड एंड अपहेल्ड, सपोर्टेड और कन्फर्म। मीनिंग बताएं सभी लोग भी, क्या मतलब होता है इसका? अब देखो, ध्यान देना यहाँ पे, ये जो बेयर वर्ब है ना, हमने इसके पहले भी एक दो बार फ्रेजल वर्ब्स पढ़े होंगे और इसके फ्रेजल वर्ब्स ना इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, बेयर बेयर अप, बेयर आउट, बेयर डाउन, बेयर विद, ठीक है। चलो मीनिंग बताओ, इनमें से जिसका भी मतलब पता हो बताओ। अब देखो, बेयर अप का मतलब होता है टू एंड्योर चीयरफुली, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, कोई टफ टाइम है तो उसको एंड्योर करना, एंड्योर करने का मतलब उसको फेस करना, मुकाबला करना, ठीक है, ये हो गया। बेयर आउट का मतलब हो गया टू प्रूव, साबित करना, टू कॉरोबरेट, एक इंग्लिश में अच्छा वर्ड होता है सबस्टैंशिएट, सबस्टैंशिएट करना, सबस्टैंशिएट करना मतलब साबित करना, सबूत देकर प्रमाणित करना। बेयर डाउन का मतलब होता है टू क्रश, टू सबड्यू, कुचल देना, दबा देना, खत्म कर देना ऐसे। बेयर विद का मतलब होता है टू टॉलरेट, ठीक है, बर्दाश्त करना, सहन करना। आई कैन नॉट बेयर विद हिज टेंट्रम्स, आई कैन नॉट बेयर विद हिज टेंट्रम्स, ठीक है, कि मैं उसके टेंट्रम्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। एक और लिख देता हूं यहां पर, एक और फ्रेजल और बेयर का होता है, हालांकि ज्यादा यूज में नहीं आता लेकिन फिर भी लिख लेते हैं एक बार, बेयर ऑन या अपॉन, ऑन या अपॉन कुछ भी लिखा हो एक ही मीनिंग होता है, ठीक है।
तो बेयर ऑन या अपॉन का मतलब होता है टू अफेक्ट, ठीक है, किसी चीज को प्रभावित करना, ठीक है। द न्यू पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट बेयर्स अपॉन आर बिजनेस हैवली, कि जो गवर्नमेंट की नई बिजनेस पॉलिसी है ये हमारे बिजनेस को बहुत प्रभावित करती है। तो बेयर ऑन या बेयर अपॉन का मतलब हो गया कि किसी चीज को प्रभावित करना, ठीक। जैसे कि द वेदर कंडीशन द वेदर कंडीशन में बेयर अपॉन द रिजल्ट ऑफ द मैच, तो जैसे हमने कहा जो वेदर कंडीशन है वो मैच के रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। जैसे कि जो मैच शाम को खेले जाते हैं, ठीक है, जो शाम के मैच होते हैं तो उनमें आपने देखा होगा कि अगर मतलब ओस वगैरह का डाउट हो, ठीक है, तो जो टीम बाद में बैटिंग करती है वो फायदे में रहती है। इसीलिए जो शाम को 20-20 मैचेस होते हैं जो शाम को खेले जाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा उसमें ज्यादातर जो टॉस जीतने वाला कैप्टन होता है वो पहले बॉलिंग करता है, बैटिंग नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि जब तक सेकेंड इनिंग्स स्टार्ट होगी तब तक ओस पड़नी शुरू हो जाएगी। ओस पड़नी शुरू हो जाएगी तो बॉलर्स को ग्रिप करने में, ठीक है, फील्डर्स को फील्ड करने में, कैच करने में प्रॉब्लम होगी, तो वो पहले ही अपनी बॉलिंग कर लेता है, बाद में बैटिंग करता है। तो जो वेदर कंडीशंस हैं, जैसे उसी को हमने एग्जाम्पल मान के यहां पे लिख दिया, द वेदर कंडीशन में बेयर अपॉन द रिजल्ट ऑफ द मैच, कि जो वेदर कंडीशन है वो मैच के रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। तो यहां पे हमने लिखा था हिज वर्जन्स ऑफ इवेंट्स जस्ट इजंट बॉर्न आउट बाय द फैक्ट्स, तो हमें बेयर आउट का मतलब बताना है। तो बेयर आउट का मतलब मैंने आपको बताया, बेयर आउट जो फ्रेजल वर्ब होती है इसका मतलब होता है किसी चीज को साबित करना, प्रमाणित करना, सिद्ध करना सबूतों के साथ में। तो अगर हमें इसका सिनोनिम बताना है इसमें से, ड्रेस्टिकली विदहेल्ड, नो, कॉज्ड एंड रिटेंड, नो, डिफेंडेड एंड अपहेल्ड, सपोर्टेड और कंफर्म, ये रहा, ठीक है। चलो अगले पे जाओ, अगला आ गया टू पास विद लिटिल और नो हार्म, कोई बुरा समय है, ठीक है, कोई मुसीबत परेशानी है, वो बीत जाए, पास का मतलब गुजर जाए, बीत जाए, कम या बिना किसी नुकसान के, लिटिल का मतलब ऑलमोस्ट नो, तो अगर उससे कोई नुकसान हो तो बहुत कम हो या हो ही ना, तो इसको हम क्या कहेंगे बताओ। देखो ध्यान से सुनना, ब्लो इन तो खैर कुछ नहीं होता, ब्लो आउट का मतलब होता है टू पुट आउट, एक्सटिंग्विश, मान लो कैंडल्स वगैरह जल रही है ना, तो ब्लो आउट कर देना मतलब फूंक मार के उनको बुझा देना, जैसे लोग अपने बर्थडे पे करते हैं, केक पे कैंडल्स लगाते हैं फिर फूंक मार के बुझाते हैं, तो उसको कहते हैं ब्लोइंग आउट, ठीक है। ही हैज ब्लोन आउट द कैंडल्स। ब्लो अप का मतलब होता है टू एक्सप्लोड, किसी चीज का एक्सप्लोजन हो जाना, द बम ब्लू अप, द गैस सिलेंडर ब्लू अप, द गैस सिलेंडर ब्लू अप का मतलब कि गैस सिलेंडर फट गया, तो ये ब्लो अप हो गया। ब्लो ओवर का मतलब वही होता है जो ऊपर लिखा हुआ है, टू पास विद लिटिल और नो हार्म, कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई टफ टाइम जो है वो बीत जाए, उसका बीत जाना, उसको गुजर जाना, उसको कहते हैं ब्लोइंग ओवर। डोंट वरी इट विल ब्लो ओवर, डोंट वरी इट विल ब्लो ओवर, चिंता मत करो ये समय भी बीत जाएगा, गुजर जाएगा, ठीक है। फिर आगे सेंटेंस अरेंजमेंट, चल सेंटेंस अरेंजमेंट कैसे करने, पीके वायरस कैसे करने, हमने पहले भी डिस्कस करा ही होगा, ठीक है, सबको याद होगा, बाकी फिर से एक बार समझ लो। इनमें ना हिंट्स ढूंढा करो हमेशा, जैसे कि हमें पता है कि वो जो फर्स्ट पार्ट है वो फिक्स्ड है कि ये पहला ही है, ठीक है, और ये फिक्स्ड है कि ये लास्ट ही है, लास्ट जो है वो सिक्स्थ है। सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, जो सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सीक्वेंस के सेंटेंसेस हैं उनको जंबल करके पी क्यू आर एस लिख दिया गया। अब हमें इनका सीक्वेंस बताना है कि इनमें से कौन सा
सही सीक्वेंस है, पी क्यू आर एस एस क्यू पी आर, दुनिया भर के ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमें क्या होता है कि सबसे पहले जो पी क्यू आर एस के जितने भी पार्ट हैं फर्स्ट लेके लास्ट तक, वो सारे पढ़ो, तेज पढ़ो। कैसे तेज पढ़ो? समझते हुए, कि समझ में भी आए और मतलब टाइम भी बचे, ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना है। और फिर उसके बाद में उनमें हिंट्स ढूंढो। हिंट्स में क्या होता है, जैसे जो हमने ग्रामर के कुछ चैप्टर्स पढ़े, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ग्रामर में जो हमने चैप्टर्स पढ़े उसमें से कुछ चैप्टर्स जो होते हैं वो पी क्यू आर एस में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कौन कौन से? देखो, प्रोनाउंस, डिटर्मिनर्स, कंजंक्शंस, एडवर्ब्स और प्रेपोजिशंस। ठीक है, तो ये सबने पढ़ रखे हैं, ये तो हमारा सिलेबस हो चुका है ना, ये तो हमने सब पढ़ ही रखे हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये जो पांच चैप्टर्स होते हैं इनके जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स ध्यान देना, वो हमें पी क्यू आर एस में बहुत हेल्प करते हैं। तो इनमें जो पढ़ाए गए बेसिक्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये जो हमें छह पार्ट दिए गए हैं इनमें हमें कोई ग्रामेटिकल हिंट्स ढूंढने। हिंट का मतलब है कि मतलब ये पता लगाना कि भाई ये जो पी पार्ट है या इससे पहले ही आएगा या वो वाला पार्ट पी से पहले ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से हिंट्स ढूंढना और उन हिंट्स के बेसिस पर फिर आंसर करना। कैसे करते हैं मैं देखो एग्जांपल से समझाता हूँ। आज एक बार इसे पढ़ते हैं पूरा, सभी लोग पढ़ेंगे। टुडे द अर्थ हैज मैनी सैटेलाइट्स बिसाइड्स द मून। ठीक है कि आज के समय में अर्थ के चांद के अलावा भी उपग्रह हैं। पहले तो केवल चांद था लेकिन अब और भी उपग्रह हैं। बट द पुल ऑफ द अर्थ कीप्स देम फ्रॉम डूइंग सो। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स डू नॉट फॉल बिकॉज दे आर गोइंग टू फास्ट टू डू सो। They are the artificial satellites made by man and very much smaller than the moon. As they speed along, they tend to go straight off into space. As a result, they travel in an orbit around the Earth. अब आप ये एक चीज ध्यान से देखो, ये जो पी क्यू आर एस का सीक्वेंस है इसमें फर्स्ट के बाद में आर ही आएगा, कन्फर्म है। ठीक है, और जो सिक्स्थ पार्ट है, एज अ रिजल्ट दे ट्रेवल इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ठीक है, इससे पहले ठीक पी ही आएगा, ये हिंट है। आप ध्यान से देखो, ये आपने अपने आप ढूंढ लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी मैंने बताया, जरा ध्यान से देखो। जो फर्स्ट पार्ट है उसके बाद में आर ही आएगा और सिक्स पार्ट से पहले पी ही आएगा। ठीक है, यहां देखो क्या लिखा हुआ, एज अ रिजल्ट, ठीक है, परिणाम स्वरूप दे ट्रेवल इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अब किस चीज के परिणाम स्वरूप, वो यहां पर लिखा हुआ है। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट डू नॉट फॉल बिकॉज दे आर गोइंग, नहीं, बट द पुल ऑफ द अर्थ कीप्स देम फ्रॉम डूइंग सो। लेकिन जो पुल है अर्थ का वो उन सैटेलाइट्स को स्पेस में जाने से रोके रखता है, जिसका परिणाम ये होता है कि वो एक ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो जब हमें पता है कि पी लास्ट में आएगा तो एक ही ऑप्शन दे रखा है, पी जिसमें लास्ट में, बस ये आंसर हो गया। तो इस तरीके के ना हमें पहले पढ़ने चाहिए पी के बारे सारे। अब पढ़ के फिर हमें ना ग्रामेटिकल जो ये हमारे चैप्टर्स हैं, प्रोनाउंस, डिटर्मिनर्स वगैरह, इनकी मदद से हमें हिंट्स ढूंढने चाहिए। हमें ढूंढना चाहिए कि कोई ऐसा हिंट मिले जिसके बेसिस पर हम श्योर होके बता पाए कि भाई ये वाला पार्ट इस पार्ट से पहले ही आएगा या ये वाला पार्ट इस पार्ट के बाद ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा, हमें पता था कि शुरुआत आर से ही होगी, आर वाले हालांकि दो थे, बी और डी दोनों में आर से शुरुआत हो रही थी, लेकिन पी लास्ट में आया दिया गया हो ऐसा ऑप्शन एक ही था, तो वो डी ऑप्शन आंसर हो गया। अभी अपने आप करो लो, इसको अपने आप करो, सभी लोग पढ़ो। अब देखो, पढ़ा सबने, ध्यान से देखना। लव इज वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑफ ह्यूमन पैशंस, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्वीटेस्ट। लव शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अवर द ऑब्जेक्ट, बट लाइक ऑल स्ट्रॉन्ग पैशंस इट मे, इफ नॉट वेल रेगुलेटेड एंड कंट्रोल, लीड अस इनटू मिजरी और इट विल प्रूव इन द एंड अ सोर्स ऑफ बिटरनेस। अब देखो, क्या किसी को ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट के बाद में पी ही आएगा? किसी और को भी ऐसा लगा? अब यहाँ पे देखो, हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज किया द अर्लीस्ट, यहाँ पे यूज किया द स्वीटेस्ट और ऑल्सो भी लिखा हुआ है। तो आप ही इजिली समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है उसके बाद पी ही आएगा, लिखा ना ऑल्सो वन ऑफ द स्वीटेस्ट,
पहले में लिखा वन ऑफ द अर्लिएस्ट कि लव जो है वो सबसे पुराने जो ह्यूमन पैशन है उनमें से एक है और सबसे स्वीटेस्ट जो पैशन है उनमें से भी एक है। तो दो सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, तो ऑल्सो की मदद से उन्हीं को जोड़ा जा रहा है। तो कहने का तो शुरुआत पी से होगी। अगर शुरुआत पी से होगी तो हमारे पास पी वाले कितने ऑप्शन हैं? दो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये दोनों तो गलत है, इन्हीं में से कोई एक सही होगा। अब पी के बाद में आर है और क्यू है, तो हमें ये देखना है कि पी के बाद में आर लिखना ठीक है क्यू लिखना ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्वीटेस्ट, लव शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ वर्दी ऑब्जेक्ट, बट लाइक ऑल स्ट्रॉन्ग पैशन इट मे इफ नॉट वेल रेगुलेटेड कंट्रोल लीड अस इनटू मजरी। ठीक है, तो पहले आएगा आर, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्वीटेस्ट। तो हमने दो पॉजिटिव चीजें बता दी लव को लेकर कि भाई अर्लीएस्ट है, अर्ली वन ऑफ द अर्लीएस्ट पैशन है और वन ऑफ द स्वीटेस्ट पैशन है। लेकिन अब नेगेटिव साइड, लेकिन अब क्या है, लाइक ऑल स्ट्रॉन्ग पैशन, लेकिन सारे स्ट्रॉन्ग पैशन की तरीके से इफ नॉट वेल रेगुलेटेड, अगर इसको वेल रेगुलेट या कंट्रोल ना किया जाए लीड अस इनटू मिजरी, तो ये हमारी तबाही का कारण भी बन सकता है। तो आर से शुरुआत होगी, आर से शुरुआत होगी, तो बी ऑप्शन पी आर क्यू एस। तो हमने कहा कि लव जो है वन ऑफ द अर्लीएस्ट ह्यूमन पैशन, वन ऑफ द स्वीटेस्ट ह्यूमन पैशन है। तो ये तो इसकी पॉजिटिव साइड हो गई। लेकिन अब एक नेगेटिव साइड है, क्या है कि जैसे स्ट्रॉन्ग पैशन होते हैं, अगर हमारा उनके ऊपर कंट्रोल ना हो या वो रेगुलेटेड ना हो, ठीक है, तो फिर वो हमारी तबाही का कारण भी बन सकते हैं। ये बताने की जरूरत तो है नहीं, तुम लोग जिस उम्र में, सबको पता होगा, ठीक है, कि ये जो लव नाम का जो इमोशन होता है, ठीक है, इससे दुनिया में कितनी तबाही मची है, कितने घर बर्बाद हुए, कितने लोग बर्बाद हुए, क्योंकि वो अपने इस पैशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो अपने इस पैशन को रेगुलेट नहीं कर पाए। ठीक है, उनका ये जो पैशन ऑफ लव है, ठीक है, वो उनको कंट्रोल करने लग गया। बहुत से करियर्स बर्बाद हो गए, बहुत से घर बर्बाद हो गए, बहुत सी जिंदगियां बर्बाद हो गई, ठीक है, और बहुत से का मतलब यहाँ पे लाखों करोड़ों है, बहुत सौ का मतलब सैकड़ों या हजारों नहीं है, बहुत सौ का मतलब है लाखों। कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां इस चक्कर में हो गई, ठीक है, तो ये झंझटबाजी है।